पे बैठाने के लिए तो शेर ही तो बैठाएंगे ना, लोमड़ी थोड़ी ना बैठाएंगे। हमें क्वालिटी पीपल्स मिल ही नहीं रहे हैं, हमें एक ग्रेजुएट बंदा चाहिए। लोग कह रहे हैं हमने पढ़ाई कर लिया, बीएससी कर लिया, बीए कर लिया। भाई आपको कुछ आता भी है? आप पढ़ते हो, बस डिग्री पढ़ने के लिए पढ़ लेते हो, आपके पास स्किल है तो आपको जॉब की कमी नहीं है। काम क्या होता है? रोजगार देना, पक्के मकान बनाना, रोजगारी नहीं है। जॉब में कम से कम 20 दिन से वो ढूंढ रहा, मिली नहीं, क्या करूं? नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। मैं आपको रोज अपने शो के माध्यम से दिखाती हूँ कि जनता की क्या राय है 2024 के इलेक्शन को लेकर। और आज मैं पहुंच चुकी हूं करोल बाग, और आज मैं सीधा यहां की जनता से जानूंगी कि जनता की क्या मूड है, किसको इस बार सत्ता में लाना चाहती है और किसको नहीं, किसकी सरकार चाहती है, क्या क्या उनके मुद्दे हैं। और आइए सीधा अब जनता से ही जानूंगी क्या चाहती है जनता। सीधा हम जनता के पास चलते हैं। मुझे यहाँ पे एक वरिष्ठ अंकल नज़र आ रहे हैं। क्या हाल है अंकल आपके? यहीं रहते हो? हाँ, दिल्ली में। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ सकती है? भारतीय जनता पार्टी जाएगी। क्यों? वो पुराना वो काम किया हुआ है। क्या काम किया? बहुत काम किया हुआ है। करोल बाग में ही रहते हैं ना? कहाँ रहते हैं? विजय विहार रहते हैं। विजय विहार रहते हैं। क्या लग रहा है इस बार फिर से मोदी जी हैट्रिक पार करेंगे? मोदी जी आएंगे, 400 पार हो पाएंगे? आएंगे। क्या लगता है रामलला का जो विषय है, क्या लगता है रामलला जी उनको पार कराएंगे? जो करेंगे वो तो देख ही देंगे, हम क्या कर सकते हैं। वो अच्छा बताते हैं, बाकी और कुछ पता नहीं मुझे। आप किसको वोट देंगे? केजरीवाल। क्यों? क्योंकि वो सही है, हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, हर चीज़ की वो है, मेरे हिसाब से तो सही है। लेडीज़ों के लिए तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी तो जैसे वो जेल में है तो क्या लगता है बाहर आ पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, क्यों? अच्छे इंसान के लिए तो सब भगवान भी साथ देता है ना। सरकार चलाना थोड़ा मुश्किल भी तो हो सकता है, हो सकता है ये प्रोजेक्ट बाजी हो किसी की भी, उन्हें अंदर करने के लिए, ये भी हो सकता है। आपके हिसाब से हो सकता है, साजिश भी हो सकती है? हाँ जी। क्या लगता है तो चुनाव से पहले वापस आ पाएंगे बाहर? आना तो चाहिए उन्हें, जैसे भी लेडीज़ों के लिए उन्होंने लेडीज़ों के लिए बहुत कुछ करा है, उस हिसाब से तो आना चाहिए उन्हें, आना चाहिए। क्या क्या आपको लगता है उन्होंने और स्कूल वगैरह पे यहाँ पे काम कराया? बच्चों के लिए भी करवाया है, लेडीज़ों के लिए भी, विधवाओं के लिए भी करवाया है, बहुत अच्छा, सबके लिए बहुत अच्छा करा है उन्होंने, आना चाहिए उनके लिए। फिर भी किसको देंगे? वैसे तो मोदी है, काम अच्छा करा है। क्या काम अच्छा करा है? अच्छा तो कर, केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। देखो सभी काम करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। बस में ड्राइवरी कर रही हैं आप? हाँ। बस तो फिर केजरीवाल जी ने फ्री कराई है। ओ, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी है। आपको बीजेपी की क्या बातें अच्छी लगती है जो मोदी जी को वोट? अपनी जगह बहुत में है मोदी जी ने भी अपनी जगह, वो भी उन्होंने अपना भी जो उनका कार्य है उन्होंने भी अपनी तरफ से सही करा है। उनकी ये नहीं कहते थे केजरीवाल भी अच्छे मोदी भी अच्छे हैं, हमारे तो दोनों ही सही हैं। लेकिन अगर आपसे बात करूं पीएम के उसमें आप किसको देखते हैं चेहरे में, तो आप किसका नाम? प्रधानमंत्री अच्छे मोदी। अगर सीएम की बात करूं तो केजरीवाल जी, और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं प्रधानमंत्री की, लेकिन जो मोदी जी ने करा एक धारा बिंदु के वो है जो आज तक कभी किसी ने करा नहीं था, उन्होंने करा है, उस हिसाब से बहुत अच्छा। क्या लग रहा है इस बारी 2024 में किसकी सरकार बनती है? मैम सरकार तो बीजेपी की ही संभावना है, लेकिन मामला जो है टफ है। क्यों टफ क्यों है? क्योंकि बीजेपी कुछ अपने वादों पर खरी नहीं उतर पाई है, कुछ मुद्दे ऐसे हो गए हैं जिनके कारण बीजेपी के प्रति नकारात्मक। क्या मुद्दे हैं? जैसे किसानों का आंदोलन हो गया, पहलवानों का हो गया, और मान लीजिए इनकी स्मार्ट सिटी वगैरह थी, बुलेट ट्रेन थी, वो सब के सब ऐसे ही जा रहे हैं, अभी हुआ नहीं है कुछ उनमें तो इन लोग। और मतलब गुंडागर्दी के, ये लोग कहते हैं गुंडागर्दी खत्म हुई है, लेकिन जमीन स्तर पर आप देखोगे तो उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। आपके हिसाब से यूपी अभी सेफ नहीं हुआ प्रॉपर तरीके? बिल्कुल नहीं हुआ। कौन कहता है आपसे? अभी भी यूपी में गुंडागर्दी है, अब यूपी में डबल गुंडागर्दी है, पहले गुंडे गुंडागर्दी करते थे, पुलिस भी गुंडागर्दी कर रही है। पुलिस क्या गुंडागर्दी कर रही है? पुलिस अब मैं इतना खुल के नहीं बता सकता, लेकिन पुलिस बहुत गुंडागर्दी कर रही है, जहाँ पर उसको धौंस जमानी होती है वहाँ पर जमा। आपके हिसाब से बीजेपी ने अभी तक कोई ऐसे काम नहीं किए अच्छे? नहीं, अच्छे किए हैं, मैं ये नहीं कह रहा अच्छे काम नहीं किए हैं। जैसे धारा 370 है, मैं उसको सही मानता हूँ बहुत जगहों पर, मतलब जैसे आप रोड कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, वो भी सही हुआ है, बहुत सी चीज़ें ऐसी सही हुई हैं। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि हमने राम राज्य ला दिया या फिर ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या कर दिया? राम राज्य ला दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अयोध्या में रामलला तो बीजेपी के हिसाब से वही लेकर आए हैं। अब देखिए वो उनका मानना है, लेकिन जिन लोगों ने देखा है उनको पता है कि किसका कंट्रीब्यूशन है उसमें। विपक्ष पार्टी से कौन ऐसा लगता है कि टक्कर दे सकता?
विपक्ष से यूपी में तो अखिलेश यादव का ही है, आप यहाँ पर केजरीवाल जी का है। थोड़ा लगता है केजरीवाल जी दे पाएंगे? मुझे तो लगता है कि पहले से बेटर होगा उनका आपकी बार। क्यों लगता है मुझे? क्योंकि इन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया, जैसे जिस प्रकार का ये माहौल बना रहे हैं उनके खिलाफ, उससे जनता हिसाब से बीजेपी माहौल बना रही है। बिल्कुल बना रही है, क्योंकि जो भी नेता इनको टक्कर दे रहे हैं ये उनको उठा करके सीधा कुछ ना कुछ उनके खिलाफ नकारात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब वही नेता गलत है? बहुत बड़ी बात है इलेक्शंस, बिल्कुल जो वोटिंग है 26 को आप या 25 को जो भी है यहाँ पर पे दिल्ली में हर जगह चरण हो ही रहे हैं, आपको पता है दो चरण हो चुके हैं, बाकी चरण अभी बाकी है। लेकिन अभी तक उनके दो चरण तक जैसे उन्होंने प्रचार नहीं किया, आम आदमी पार्टी का जो एक वो है सपोर्ट, केजरीवाल जी जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है गड़बड़ हो रही है कहीं पर, सपोर्ट मिलने में दिक्कत हो रही है, हो सकता है कि थोड़ा सा पार्टी का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम जा रहा हो। मैम प्रचार का तो बात ऐसी है कि मैं केजरीवाल जी नहीं, कांग्रेस और सपा इनका भी कमज़ोर है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी खड़ा हुआ था वो प्रत्याशी कहीं भी हाईलाइटेड नहीं था, लेकिन खड़ा हुआ जब उसको टिकट मिली तो उसका जो माहौल बना, अगर वहाँ पर राहुल जी और अखिलेश जी जाते तो उसका और अच्छा हो जाता, तो टक्कर मान लो अगर वो जीतते भी नहीं तो टक्कर अच्छी हो जाती उनकी, तो प्रचार तो विपक्षी तरफ से कमज़ोर है ही, जिस स्तर से ये बीजेपी वाले अपनी जो कर रहे हैं उस स्तर की कोशिशें ये विपक्ष वाले नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? तो क्लियर है मोदी जी। क्यों? उन्होंने 10 साल में जो विकास किया आज तक तो ऐसा कुछ विकास और रफ्तार हुआ नहीं है, तो मोदी जी तो चलो इंडिया के तो हैं सबसे अच्छे नेता, लेकिन वो तो दुनिया में सबसे जो नाम उन्होंने विकास की आप बात कर रहे हैं, एक सेकंड सर, विकास की ये बात कर रहे हैं, इनके हिसाब से जो विकास मोदी जी कर पाए और कोई नहीं कर पाएगा, इन्होंने जैसे अभी एक मुद्दे उठाए कि इनके हिसाब से अभी कुछ कमी रह गई बीजेपी में, है ना, आपके हिसाब से कुछ कमियाँ रह गई बीजेपी पार्टी में, आप इधर आ जाइए प्लीज। उन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी का, वो डेट ये दो बार चेंज कर चुके हैं लेकिन अभी अचीव नहीं हुई है कोई भी। वाटर सप्लाई का किया था इन्होंने, वो भी दो बार चेंज हो चुकी है। बुलेट ट्रेन किया था, वो भी दो तीन बार चेंज हो चुकी है, तो फिर विकास हो कहाँ रहा है ये बताइए? जब आप बुलेट ट्रेन आ तो रही है 2027 से पहले आ जाएगी, आई थिंक 2025 ही बोला उन्होंने, आई डोंट नो, बट बुलेट ट्रेन तो आ रहा है, आई थिंक 300 किलोमीटर काम पूरा हो चुका है। अच्छा चलिए ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि विकास बहुत हुआ है एक आपके हिसाब से, क्योंकि हिंदू धर्म को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, है ना, रामलला जी को ले आए, ठीक है, उनके हिसाब से सड़कें हाईवे वगैरह बहुत अच्छे बन गए, ठीक है, और उनके हिसाब से वो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं जिससे जो गरीब लोग हैं, जैसे राशन ले लीजिए, वो भी गरीब लोग भी खुश हैं। लेकिन जहां तक मैं सर्वे कर पा रही हूँ, रोज़गार एक ऐसा क्वेश्चन बार बार उठ रहा है कि वो नहीं मिल रहा। कहाँ रोज़गार की कमी बताइए? आज मैं फार्मा सेक्टर में काम करता हूँ, ऐसी कोई कंपनी है जहाँ की वैकेंसी ना हो? हमें क्वालिटी पीपल्स मिल ही नहीं रहे हैं, हमें एक ग्रेजुएट बंदा चाहिए। लोग कह रहे हैं हमने पढ़ाई कर लिया, बीएससी कर लिया, बीए कर लिया, भाई आपको कुछ आता भी है? आप पढ़ते हो बस डिग्री पढ़ने के लिए पढ़ लेते हो, आपके पास स्किल है तो आपको जॉब की कमी नहीं है? मैं तो नहीं मानता कि जॉब रोज़गार की कमी है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स लेकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास नौकरियाँ नहीं है, डिग्रीज लेने का क्या फ़ायदा? ऐसा नहीं है, नौकरी बहुत सारी है, ये लोगों की अपनी ना इनकैपेबिलिटी है जो कि घर में बैठे बैठे लोग दूसरों को दोष देते हैं। क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? देखिए मैम ऐसा है, रोज़गार की बात ऐसी है, जो बीजेपी की कमिटमेंट थी जॉब क्रिएट करने की वो तो उसने पूरी नहीं करी है। मैं मानता हूँ कि इतने बड़ी जनसंख्या को आप जो है रोज़गार नहीं प्रोवाइड करा सकते, लेकिन जिस हद तक कराना चाहिए उस हद तक नहीं करा पाए आप। 100% का वादा किया वो तो नहीं दे पाए ना सर। दूसरी बात ये है कि भाई साहब कह रहे हैं कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब का, तो प्राइवेट सेक्टर तो छोड़िए, आप गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी जॉब निकाल पाए, जबकि कितनी जो है वैकेंसीज खाली हैं। यूपी में देख लीजिए पिछली 4 बार से आर ओ ए आर ओ, ठीक है, आपका ये पुलिस भर्ती, मतलब 4-5 बार एग्जाम ऐसे हुए जिनमें पेपर लीक हुआ है, जबकि राजस्थान सरकार में कांग्रेस के टाइम पे यही हो रहा था, तो ये लोग हल्ला मचा रहे थे, कितना शोर मचाया था इन लोगों ने। तो क्या यूपी में जब हो रहा था यूपी में गलत नहीं हो रहा वो? नहीं देखो, पेपर लीक की घटना कोई पहली बार नहीं हुई है, उसमें योगी सरकार ने एक्शन भी लिया है। लेकिन रही बात जो आप रोज़गार की बात कर रहे हो, मैं नहीं मानता कि सरकारी जॉब ही रोज़गार होता है, ठीक है, आज प्राइवेट जॉब वाले सरकारी से कई गुना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। मैं भी एक खेती किसानी करने वाले घर से आया, अपनी मेहनत से आज सब कुछ कर रहा हूँ, प्राइवेट में ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो लोगों को अंदर मेहनत करने की क्षमता हो तो कोई भी काम कर सकता है, ऐसा नहीं है, बट उसके अंदर करने के
स्किल होने चाहिए। ठीक है, महंगाई के ऊपर आपका क्या विचार है? महंगाई देखिए कितनी ज़्यादा हो चुकी है, आप पेट्रोल के दाम ले लीजिए, आप लोग उसका एग्जांपल ले लीजिए, एक पेट्रोल तो मैं कह ही रही हूँ, और एक जैसे बच्चों की जो फीस है, एक आदमी कैसे निकालेगा, खाने पीने की चीज़ों पे आप देखिए कितना ज़्यादा महंगाई है, टैक्स हर चीज़ पे लगा दिया गया है। एक जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो बहुत पुअर फैमिली है वो कैसे निकाल पाएगा सर? महंगाई तो देखो एक मुद्दा है, मानता हूँ, लेकिन आप अगर पेट्रोल की बात करें, जब मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल थी उस समय 40-45 रुपए से 80 रुपए तक गया था, और मोदी जी की सरकार में 80 से अभी 95-100 के नीचे ही है। तो देखो अगर टाइम के साथ देखा जाए तो लोगों के सैलरी भी बढ़ी है, उसके हिसाब से पेट्रोल के रेट आज कंपेयर करो किसी अदर कंट्रीज तो मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है। लोग आज सारी आपके हिसाब से महंगाई नहीं है? महंगाई देखो कुछ चीज़ों में है, पेट्रोल को नहीं मानता कि महंगा है, कुछ चीज़ों में महंगाई है, जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं या फिर ग्रॉसरी आइटम्स हैं वो महंगे हुए हैं, वो मैं मानता हूँ, बाकी पेट्रोल को नहीं। हर चीज़ पे तो GST लगा दिया गया, चाहे आप बच्चों, चलिए ठीक है, बोलते हैं स्कूल की बात करते हैं कि स्कूल फ्री ये सब चीज़ें, स्कूल के बच्चों की पेंसिल और रबड़ ये स्टेशनरी आइटम्स तक पे भी सर GST लगा दिया गया। उस पर मैं मानता हूँ कुछ चीज़ों पे आइटम्स महंगे हुए हैं, अब वो टाइम के साथ महंगा हुआ है या फिर वो होने चाहिए था, उस पर मेरा कोई वो नहीं है एनालिसिस, तो मैं नहीं बोल सकता। आपको क्या लगता है सर महंगाई? एक्चुअल में भाई साहब कह रहे हैं कि महंगाई मुद्दा है, मैं ये कह रहा हूँ कि हर जगह पर महंगाई है, आप ये कह रहे हो कि पेट्रोल में महंगाई नहीं है, सबसे पहले तो इनका स्टेटमेंट ये गलत था कि कांग्रेस के टाइम पे 80 रुपीज़ थी, 80 रुपीज़ हुई थी जब $100 पर बैरल था ऑयल तब हुई थी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार जा रही थी अपने अंतिम समय पर थी तो उस टाइम पे 63 हो गई थी, 63 से और अब 100, तो आप देख लीजिए कितना अंतर है, जबकि सैलरी में इतना चेंज नहीं आया है। आप जहाँ भी महंगाई देखोगे, सिलेंडर का देख लीजिए आप, सिलेंडर जिस हिसाब से सिलेंडर की महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ी है किसी की? नहीं बढ़ी किसी की। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब सैलरी बढ़ गई है, अब आपकी सैलरी बढ़ी है 25 रुपये, महंगाई होगी 50 रुपये, तो उसका क्या फ़ायदा है बताइए? 15 लाख सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर के दाम देख लीजिए, यही मेरे शायद दिमाग से पॉइंट मिस हो रहा था। लाइन लगा के हम सिलेंडर लेते थे, मुझे भी याद है मैं जब पढ़ाई करता था तो मारामारी होती थी, 600-700 रुपये मिल जाते थे सिलेंडर उस समय, मानता हूँ 15 साल पहले, लेकिन आज भी हमें 1000 रुपये के अंडर में मिल रहा है, तो 200-300 रुपये क्या होता है यार? आज 15 साल पहले जो हमारी इनकम थी आज करीब 15 गुना बढ़ गई है, ठीक है? तो अगर सिलेंडर के जो आप डबल नहीं हो, मतलब आप क्या चाहते हैं? आज हमारे गांव में हमारे अगर आप देखो मोदी जी की स्कीम को, जैसे मेरा पूरा बचपन चूल्हे पे खाना बना के बीता हमारे एक परिवार का, बट पिछले 7-8 सालों से हमारे घर में सिलेंडर, हर गांव में सिलेंडर में काम हो रहा है। अगर रिसोर्सेज दे रही है सरकार तो थोड़ा बहुत अगर रेट बढ़ता है वो, तो उससे क्या होगा? हमें हर किसी को चाहिए, हर चीज़ को फैसिलिटी चाहिए बंदे को। सर आपके हिसाब से रेट बढ़ रहा है लेकिन जो एक आम इंसान है ना उसको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है सर। हाँ थोड़ा बहुत है आम आदमी को, लेकिन ठीक है उतना भी दिक्कतें नहीं है, क्योंकि रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, देश ग्रो कर रहा है, थोड़ा सा उसकी वजह से तो थोड़ा सा चीज़ें करनी पड़ती हैं, कई बार वही शायद कर रहे हैं, हो सकता है। लोगों से जवाब ले लेती हूँ, सर आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आम आदमी को। क्यों? क्योंकि मैम उसने काफ़ी कुछ करा है ना, बिजली बिल फ्री हो जाता है कितनी बार, पहले कितना आता था बहुत कम आता है, पानी फ्री है, बहुत चीज़ें फ्री है, हमारी बहन बेटी बसों में घूमती है, टिकट फ्री है, मतलब काफ़ी कुछ है, ठीक है आम आदमी। फ्री के बेसिस पे केजरीवाल जी को? नहीं, वो सच का साथ देता है ना, पहली बात तो वो तो आज जेल में बैठे, क्या लगता है? सबूत थोड़ी मिला है मैम, सबूत थोड़ी मिला, सबूत नहीं मिला, क्या लगता है कि फंसाया गया है? वो कहते नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो हिसाब किताब मोदी का कि पावर है तो कुछ भी करता है, किसी को भी अंदर कर देता है। देखिए बिल्कुल निष्पक्ष होकर कह रहे हैं कि बीजेपी वाली पार्टी वालों ने पूरी राजनीति से उनको अंदर करा दिया गया, क्या लगता है बीजेपी को डर था केजरीवाल? डर तो है ही मैम, देखते नहीं हो, कुछ भी एक्शन लेता है, पहले बीजेपी टांग अड़ा देती है, ऐसे कुछ भी अप्लाई करना हो, कोई भी कानून अप्लाई करना हो सीधा मोदी मना कर देता है उसको, तो वही है मैम, अगर वो केजरीवाल आगे आएगा तो इस्तीफा मांगने की मांग बार बार कर रही है बीजेपी, कह रही है कि जो जेल से है सरकार नहीं चले, मोदी को देना चाहिए इस्तीफा, बस महंगे महंगे सूट बनवा लो, विदेशों में घुमा लो और कोई दिक्कत नहीं है। और भी तो बहुत सारे काम करे हैं, जनता तो कह रही है बीजेपी ने बहुत सारे काम करे हैं, राम मंदिर बनवा दिया, सड़कें आपने बनवाई, और क्या, जनता ने चंदा दिया है, जनता ने टैक्स दिया, जो भी तो बन रहा है, मोदी घर से लेके आ रहा है पैसा, सेंस वाली बात है ना मैम, अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। महंगाई पे आपका क्या विचार? महंगाई तो बहुत है, पहले जब हम 6 साल पहले बैग चलाते थे 70 रुपये पेट्रोल था, आज देखो 100 रुपये है, मतलब सिलेंडर
सिलेंडर हमारे घर वालों ने कम 450 को लिया था, आज मैं 1150 को लेता हूँ। इलेक्शन टाइम पे सिलेंडर सस्ता हो जाता है, वैसे मैम महंगा ही रहता है। इनके हिसाब से इलेक्शन टाइम पे सस्ता हो जाता है? सस्ता मैम कुछ नहीं होता, सब चीज महंगी हो गई है। ये हजार रुपये, मतलब अभी मैम 1000 रुपये का हो गया, उससे पहले मैम 1100-1200 रुपये का भी था। अच्छा ठीक है, और भी लोगों से जानूंगी कि उनकी क्या राय है। सीधा अभी चलते हैं और लोगों के पास। इनकी तो सिर्फ क्या लग रहा है, किसकी सरकार? मैम बीजेपी की सरकार आएगी पक्का, 100% है। 400 पार नहीं, 400। अच्छा राहुल जी तो कह रहे हैं 125 भी नहीं पार कर पाएंगे। मैम राहुल जी तो कह रहे हो ना बीजेपी पार कर रही, 425 ही पार रही, मैं बोला हूँ। अच्छा इनको तो कह दिया, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी सरकार दिल्ली में? हाँ दिल्ली में हर जगह। क्यों क्यों सही है? क्या क्या मुद्दे हैं आपके जो आप उनको वोट दे रहे हैं, किस बेसिस पे? मतलब आपने कोई काम अच्छे लगे? काम अच्छे वाले नहीं, पहली बात तो मैं यूपी से हूँ, अयोध्या से हूँ। अच्छा अयोध्या से हैं, राम मंदिर बन गया। हम अयोध्या से ही हैं, तो हमारे लिए चाहे कोई भी सरकार हो, जो भी करा हमारे लिए बहुत अच्छा करा है, तो चाहे कोई अदर भी सरकार है, हम बीजेपी को ही वोट। सिर्फ एक रामलला के लाने से क्या सरकार अच्छी काम कर सकती है? और भी तो ऐसे काम होंगे। सिर्फ एक रामलला लाने पे आपको गर्व है? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं भी एक हिंदू, मुझे भी गर्व है रामलला लाने से, लेकिन जो बाकी परेशानियाँ उसका क्या सर? कौन सी परेशानी? महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है सर, अभी आप सुन रहे थे यहाँ पे खड़े थे, रोजगार नहीं है। तो शेर पालोगे तो महंगाई तो होगी उसे खिलाने के लिए। अरे शेर क्या, इंसान अगर बच्चा जो आदमी है अपना बच्चा पैदा करता है उसको पालने के लिए महंगाई तो कम होनी चाहिए। अगर गद्दी पे बैठाने के लिए तो शेर ही तो बैठाएंगे ना, लोमड़ी थोड़ी ना बैठाएंगे। अच्छा आप गद्दी पे बैठाने वाली बात मोदी जी के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल। लोमड़ी किसे कह रहे हैं? लोमड़ी अदरवाइज पार्टी जो गठबंधन करती है। मतलब सीधा सीधा जो आप निशाना है कांग्रेस पार्टी पे डाल रहे हैं? नहीं कांग्रेस क्या, जो गठबंधन करते हैं समाजवादी पार्टी पे भी डाल रहे हैं सब गठबंधन, मतलब केजरीवाल जी पे भी। मतलब इनके हिसाब से लोमड़ी है दूसरी पार्टी। बिल्कुल मैं, और बीजेपी जो है वो शेर है। देखिए लोग जो है क्या कह रहे हैं, लोग दुनिया कुछ भी कहे उससे हमें क्या, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि लोमड़ी थोड़ी बिठा देंगे गद्दी पे। पहली बात तो मैम मोदी इतना पढ़ा लिखा नहीं जितना राहुल गांधी पढ़ा लिखा है, जो उनसे कॉलेज से डिग्री ले रखी है ना मोदी ऐसे आते भी नहीं है मैम। उसके अंदर कॉमन सेंस तो मैम यही है, कितना पढ़ा लिखा बोलता है, वो पढ़ा लिखा है जब भी तो बोलता है। मोदी क्या है, वो इंग्लिश के लिए अलग अलग रखा ट्रांजेक्शन करने के लिए, देख देख के तो भाषण देता है वो। वैसे दुनिया जानती है पूरा देश IAS IPS चला रहे हैं मैम, ये तो एक ऊपर ऊपर की बात है। क्या जवाब देंगे आप? अब इसके लिए क्या जवाब दूँ, कौन स्पीच लिखता नहीं है, सभी स्पीच पढ़ते हैं दूसरे का लिखा, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी सरकार हो, सभी पढ़ते हैं। राहुल गांधी जी का इतनी मीम्स क्यों बनाई जा? अब खुद ही समझ देख लो। आपके हिसाब से तो स्पीच कोई और लिखता है? और सिंपल सी बात है, सबकी लिखता है। हाँ आपको भी तो पता है सारे IAS IPS ही देश चला रहे हैं। हाँ। फिर मैम आप चलिए ठीक है, इनका तो थोड़ा सा अलग ही IPS और UPSC वाला। मैम चला रहे हैं देश का भविष्य वही है। नहीं चला रहे हैं, मान रहे हैं। अगर पावर पुलिस के पास होती है, सबसे मेन पावर है पब्लिक। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पब्लिक है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो जनता ही तो डिसाइड करती है, इसलिए तो जनता की राय सबसे ज्यादा बिल्कुल मायने रखती है। इसलिए तो मैं अपने शो के माध्यम से दिखाती हूँ कि इलेक्शन आ रहे हैं, जनता की क्या राय है। इनकी तरफ से बीजेपी है, इनकी तरफ से केजरीवाल है, और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे क्या लग रहा है किसकी सरकार। आम आदमी पार्टी। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया है, बिजली का बिल वगैरह लोगों का मदद की है। क्या मदद की है? लोग बिजली के बिल, कमाई का बिल, सड़कें बनाई है, बहुत काम किया उन्होंने। क्या लगता है जेल से सरकार चला पाएंगे केजरीवाल? हाँ जी चला पाएंगे। लेकिन बीजेपी तो मांग कर रही है इस्तीफा की। नहीं तो हम तो वोट उन्हीं को देंगे, केजरीवाल साहब को। हाँ जी लेकिन यहाँ पे जैसे दिल्ली में प्रचार थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी के, ठीक है वहीं मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है क्योंकि लीडर थे अपनी पार्टी के, वो एक बैकबोन जैसे बोलते हैं ना केजरीवाल जी को, बैकबोन थे। अभी वो जैसे जेल में है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो उनके कार्यकर्ता है वो भी डगमगाए हुए हैं, क्या लगता है? मैडम हमारे को तो, हम तो बस चाहते हैं कि केजरीवाल जी आने चाहिए दिल्ली के अंदर। इनके हिसाब से केजरीवाल जी आने चाहिए। चलो क्या चाह रही है मैम इस बारी, किसकी सरकार आनी चाहिए? आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए, उसका कारण? मैम उसने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है इसलिए। जैसे कि? जैसे कि टिकट फ्री करी है लेडीज़ के लिए, ठीक है हर चीज़ पे सुविधा दी है, पानी पे दी है, बिजली पे दी है, सब्सिडी पे दी है, तो काफ़ी कुछ कर रही है।
क्या लगता है? देखिए, जेल से सरकार चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस्तीफे की मांग भी हो रही है बीजेपी की तरफ से। चुनाव जो है बहुत नज़दीक है, एक प्रचार नहीं हो पाया, ऐसे में क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल जी का साथ देगी? बिल्कुल देंगे मैम, क्योंकि वो दिल्ली की जब दिल्ली जो दिल्ली की जनता है उसका साथ दे रहे हैं, तो दिल्ली की जनता उनका साथ क्यों नहीं देंगी मैम? बिल्कुल देंगी। जैसे फ्री की बात कर रहे हैं आपकी, ये सारी चीज़ें फ्री मिल रही है, ठीक है, बस फ्री है, बिजली के जो बिल है वो ऑलमोस्ट फ्री आ रहे हैं सबके, पानी का बिल आप ले लीजिए, सड़कें जो हैं आप लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से कराई है, लेकिन जो विपक्ष पार्टी है वो ये कहती है कि उनका काम ज़्यादा अच्छा है। मैम देखो, बोलने से काम अच्छा नहीं हो जाता ना, काम करके तो दिखाएं। उन्होंने तो बोला है और जुमला बोल दिया कि जुमला है, करके तो कुछ दिखाया नहीं ना। जुमला किस बात से कह रही हैं? जुमला पहले बोला है और आप देख सकते हो 15 लाख वाली बात से कह रही है, उस पर भी है, काफ़ी चीज़ों पे भी है। आप देख सकते हो कि आप बाहर जा रहे हो, बाहर के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन जो गरीब जनता है आप देखोगे बाहर भीख मांग रहे हैं, रोडों पे बैठे हैं, वो देखो वो भाई साहब लेटे हुए हैं वहाँ पे रोड, इनके लिए क्या करा है उन्होंने? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बस टिकट फ्री मिलने से या उससे। राशन कहते हैं कि बीजेपी वाले गरीब लोगों को राशन दे रहे हैं। मैम राशन कार्ड तो पहले भी थे, राशन तो सबको पहले भी मिलता था, बस ये था कि जब 2-3 रुपये किलो 3-4 रुपये किलो था, बिल्कुल ही नील है, तो मैम ये थोड़ी ना। और सभी जो कोठी वाले हैं जिनके पास बहुत पैसा है वो थोड़ी ना राशन की लाइन में लगे होते हैं, राशन लेते हैं, ठीक है। और महंगाई पे आपका क्या विचार? मैम महंगाई देखो बीजेपी जी ने बढ़ा रखी है बहुत ज़्यादा, पहले तो महंगाई थी ही नहीं बिल्कुल इतनी, ठीक है, कांग्रेस भी थी जब भी इतना था कि सबके काम चल रहे थे, सबकी तनख्वाह अच्छी। काम अब आपके हिसाब से थोड़े ठप हुए हैं? काम ठप है, सैलरी इतनी है नहीं, जिनके जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वो तानाशाही हैं, उनको देखने के लिए कोई है नहीं ना ऊपर, तो वो अपनी मर्जी से काम कराते हैं, अपनी मर्जी से सैलरी देते हैं, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करेंगे, क्या लग रहा है किसकी सरकार? बीजेपी की आएगी मैडम। कैसे बीजेपी की आएगी? कैसे मतलब? महंगाई नहीं लग रही आपको? कोई महंगाई नहीं है। दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में बीजेपी आएगी। बीजेपी किन मुद्दों पर आप सोच रहे हैं उनको वोट? किसको? बीजेपी का आप बोल रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे, किन किन मुद्दों की? मतलब सारे काम कर रहे हैं वो। जैसे? तो सवारी देख ले भाई। जैसे? जैसे राम मंदिर बनाया उन्होंने, रोड राम मंदिर बनाया है, रेलवे में काफ़ी सुधार करा है, सड़कें सही बनाई है, सारे काम कर रही है मोदी सरकार, ऐसी बात नहीं है। आप खुश हो अपने काम से? हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल खुश है। बिल्कुल दिल्ली में आप ये चला रहे हो, आपके हिसाब से ये रोजी रोटी आपकी निकल पा रही है अच्छे से? महंगाई है जैसे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं महंगाई से, सिलेंडर के दामों को ले लीजिए आप, GST को ले लीजिए, हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे आज के टाइम पे GST है, ठीक है, फिर आप पेट्रोल के दामों को ले लीजिए, इस पर आपका क्या? मैडम जैसे जैसे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के कारण पूरा वर्ल्ड इस चीज़ से उभर के अभी तक नहीं उभर के आया, लेकिन हमारे इंडिया ने इस चीज़ की बहुत ग्रोथ करी, इसका श्रेय हमारे मोदी जी को जाता है, ठीक है ना गफ्फार, हमारे मोदी जी को जाता है इस चीज़ का, और मोदी जी ने बहुत काम किया इसके लिए, और ऐसी बात नहीं है कि जो लोग कह रहे हैं महंगाई महंगाई। केजरीवाल ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया दिल्ली? केजरीवाल जी ने काम किया है ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप देखो जैसे बता रहा कि ED ने उनको अरेस्ट कर लिया है भ्रष्टाचार के लिए, अब वो अपना काम कर रहे हैं, बीजेपी अपना काम कर रही है, आपके हिसाब? हमारे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मोदी जी की आनी चाहिए, जो मेरे विचार है। चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है? आएंगे, वही आएंगे। कौन आए? मोदी। क्यों? अच्छे आदमी हैं। सिर्फ एक अच्छे आदमी होने से सिर्फ आ जाएंगे? काम भी किए हैं, लोगों को नहीं दिख रहा है लेकिन हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हर चीज़ दिख रहा है। जैसे कि? बहुत से बहुत सी क्या चीज़ें, एक चीज़ तो गिनवाइए। रोड हो गया, सुरक्षा हो गया, राशन हो गया, बिजली हो गया, सड़क हो गया। हमारे पहले राशन नहीं मिलता था? नहीं मिलता था, योगी जी आए हैं, मोदी जी आए, हमको हर चीज़ मिल रहा है, राशन बिजली हर चीज़ मिल रहा है। बिजली तो यहाँ पे आपको केजरीवाल जी के यहाँ से मिल रही है? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए क्यों? अच्छा आदमी नहीं है। क्यों अच्छा नहीं? कोई सुधार नहीं यहाँ पे, रोड हुआ और कोई चीज़ नियम हुआ कोई चीज़ का नहीं, वैसे कोई। दिल्ली की जनता तो बहुत खुश नजर आ रही है। जो हो गए हम नहीं खुश हैं। आप नहीं खुश? नहीं। क्या चाहते हो, जेल से वापस आए या नहीं आए? ना यार उसके वो तो जैसा जो करेगा वैसा पाएगा, हमें कोई वो नहीं है। किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों? वो अच्छा काम करती है। अच्छा? क्या अच्छा काम? बहुत चले गरीब लोगों को गैस दी, बोले शौचालय बनाए, बहुत चीज़ें दी। गैस इतनी महंगी हो रही है, सिलेंडर? नहीं नहीं वो तो हो ही रही,
वो तो धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं, आगे जनरेशन तो इंडिया आगे बढ़े रहा तभी तो उसके बाद कम हो रहे। आप कितने साल के? मैं 20। वोट बनवाया आपने? हाँ। किसको देने जाओगे? मोदी। आपको यहाँ पे केजरीवाल जी का काम नहीं अच्छा नजर आ रहा क्या? नहीं नहीं मैम, केजरीवाल भी बहुत चीजें ऐसे कर रहे हैं, बहुत से अन्याय, बस ज़्यादातर लेडीज तो देते हैं या फिर दारू की बोतलें बताते हैं, वो बेकार ही होते हैं। इतना वो लोग हिसाब से दारू की बोतलें बिकवाते हैं, सिर्फ लेडीज़ का ही जो है ध्यान रख रहे हैं, उनके लिए बस से फ्री कर रहे हैं। हाँ, क्या आपको, आप किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस। क्यों? परिवर्तन ज़रूरी है, सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं देनी चाहिए, घमंड हो जाता है उसे। क्या लगता है पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ? विकास की बात करते हैं। नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ है। विकास किसे कहते हैं? सत्ता किस लिए होती है? रोजगार देगी हमें। और हज और तीर्थ यात्रा किससे होती है? अपने पैसों से। सत्ता काम क्या होता है? रोजगार देना, पक्के मकान बनाना। रोजगारी नहीं है, जॉब में कम से कम 20 दिन से ढूंढ रहा हूँ, मिली नहीं रही, क्या करूँ? जॉब नहीं मिल रही है, 20 दिन से ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और क्या लगता है विकास? एक पढ़ा लिखा मैं एजुकेटेड इंजीनियर हूँ, मैं क्या मेरे साथ के जितने हैं किसी की जॉब नहीं लग रही, तो ये बहुत ज़रूरी है इंडिया में। आप किसी से पूछोगे सबको यही मिलेगा। बाकी विकास? विकास कहाँ हो रहा है? रामलला ले आए। देखिए वो एक अलग चीज़ है, मजहब आप सड़कें नहीं बनाई, हाईवे नहीं बनाया। कहाँ बनी? नहीं बनी। सुरक्षा नहीं अच्छी? सुरक्षा का एक मैं मान सकता हूँ, सुरक्षा पहले से बेटर है, लेकिन जो मेन चीज़ है रोजगार मुद्दा, आज का युवा सिर्फ रोजगार चाहता है, वो है ही नहीं। सर आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आ सकती? बीजेपी की आएगी सरकार तो। दिल्ली में। और विपक्ष पार्टी कैसे आएगी जब गवर्नमेंट उसकी आएगी तो? काम कैसा हो रहा है दिल्ली? बढ़िया, मुश्किल है दिल्ली में तो, लेकिन अभी केजरीवाल जी की सरकार है। वो वे कह रहे हैं जिनको फ्री का माल चाहिए। हाँ। जिनको फ्री का चाहिए उनको। विकास हो रहा है आपके हिसाब से? मैं बता दे रहा हूँ, जिनको फ्री का चाहिए उनको केजरीवाल चाहिए। जैसे अब ये देखिए आप, रोजगार से बड़े परेशान है ये, चाहे कोई सरकार जाए परेशान सब रहेंगे। लेकिन सर पहले इतना नहीं, पहले इतनी कहाँ थी? जनसंख्या जो बढ़ रही है, चीन से हमसे ज्यादा है। महंगाई पे आपका क्या विचार है? सही है, जो हो रहा है बढ़िया है। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे युवाओं की बात सुनी, हम इनको लेके जाना है अपना रिक्शा, हम आगे और भी लोगों से बातें कर लेंगे। क्या चीज? आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी का चेहरा कौन है? वैसे तो मोदी जी है। और आप किसको पसंद है? कांग्रेस को। कांग्रेस के आपको काम पसंद है? कांग्रेस के काम सारे अच्छे। कांग्रेस 10 साल से नजर नहीं आई, जैसे आपको कांग्रेस के काम पसंद है, तो किन किन मुद्दों पे आप चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए, क्या परिवर्तन आप चाहते? अभी जो उन्होंने नया वो मैनिफेस्टो निकाला है तो ठीक है, काफी अच्छा है। मैनिफेस्टो के अंदर 1 लाख रुपए देने महिला की बात करी गई, मैनिफेस्टो के अंदर अच्छे स्कूल बनवाने की बात करी गई, स्पोर्ट्स की बात करी गई, हर चीज के ऊपर बात करी गई, उस पर आपको क्या लगता है कि अगर आ जाती है कांग्रेस की सरकार उस पर उतर पाएगी? हाँ बिल्कुल उतर जाएगी। देखिए बीजेपी की सरकार में एक मुद्दा ऐसा है जो मैं हर जगह सुन रहा हूँ, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। इन्होंने यहाँ पर ये भी देने की बात करी, कांग्रेस का जब मैनिफेस्टो आया तब उसमें ये सरकार ने ये भी कहा कि उनको नौकरियाँ दी जाएंगी, सब फील्ड में जिनको नहीं मिल पा रही उनको फिलफिल किया जाएगा। क्या लगता है मिल पाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, किसकी सरकार आ सकती? कांग्रेस की। क्यों? सपोर्ट ज़्यादा है। सपोर्ट ज़्यादा है? बीजेपी तो कह रही है कि हम ही आ रहे हैं और 400 पार सीटों पे। अब कौन जीत पाएगी? बीजेपी नहीं जीत पाएगी। क्यों? हाँ की पूरी सपोर्ट कांग्रेस पे है। हाँ सपोर्ट ज़्यादा कांग्रेस को मिल रहा है इस बार। किन किन मुद्दों पे आप कांग्रेस को वोट देंगे? हर मुद्दे पे कांग्रेस वोट है। ओके, फिर भी क्या क्या आपको लग रहा है किस किन मुद्दों पे देना चाहिए? क्या क्या ऐसे काम है जो नहीं हो पाए और अब होने चाहिए? नहीं, अब के बहुत ज़्यादा लाभदायक दिख रहा है कि कांग्रेस जीत पाएगी। क्या क्या अब के लग रहा है कि कांग्रेस जीत पाएगी? चाहते हैं इस बार किसकी सरकार? केजरीवाल की। क्यों? केजरीवाल ही है हमारे दिल में, सब में, हमारे अंग अंग में केजरीवाल छाया हुआ है, उससे हम कट ही नहीं सकते। जब तक हम दिल्ली में रहेंगे केजरीवाल ही आएगा, उससे अलग कोई नहीं लाएंगे। जेल से चलाएंगे क्या सरकार? हाँ जेल से चलाएंगे वो, और जेल से बाहर भी आएंगे। अभी अब आएंगे? अभी कुछ टाइम लगेगा, आएंगे जरूर। इलेक्शन खत्म होने के बाद पहले ही आएंगे, देखना आप। केजरीवाल यहाँ से जाएंगे नहीं, धीरे धीरे गुजरात तक अपना सिक्का जमाएंगे केजरीवाल। लगता है आपको बीजेपी जमाने देगी? जरूर, इसमें कोई अभी तो इलेक्शन से तो लोगों का कह रहा है कि बीजेपी जो है डर चुकी है, इसलिए उनको जेल में भेज दिया। हाँ बिल्कुल डर रही है वो,
उनको फंसाया जा रहा है, शराब का दारू का वो जुर्माना ठोक के उनको फंसाया जा रहा है। क्या लग रहा है, नहीं किया घोटाला? घोटाला उन्होंने किया, बीजेपी वालों ने, केजरीवाल ने नहीं किया, बीजेपी वालों ने घोटाला। इतना बड़ा स्टेटमेंट और क्या, वो तो हाई मिनिस्टर है, वो तो ऑर्डर तो वही देंगे। वो क्या, केजरीवाल अपने मन से करेगा सब चीज, ऑर्डर तो उधर से आया होगा, तभी तो केजरीवाल ने इतना फैसला लिया है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। कार तो मेरे को मोदी की लग रही है, चांसेस लेकिन कम है क्योंकि बदल सकता है। बदल कैसे सकता? बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। अभी जैसा हवा चल रहा है स्टार्टिंग, कुछ महीनों पहले तो लग रहा था कि हाँ चांसेस है, बट अब चांस कम है। लेकिन मोदी जी तो बार बार कह रहे हैं अपनी रैली में 400 पार, लेकिन वही है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कल किसने देखा है। आप क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं या नहीं? मैं तो परिवर्तन तो ऑफकोर्स क्यों नहीं चाहेगा, सबको चाहेंगे डेवलपमेंट, राइट? क्या क्या चेंजेस चाहेंगे अगर परिवर्तन होता है? क्या कैसे लगता है कि जो काम नहीं किया बीजेपी सरकार ने, अब दूसरी सरकार आके कर सकती? काम तो दोनों ही करते हैं अपने हिसाब से, क्या है क्या नहीं है, काफी बीजेपी ने काम किया आपके हिसाब से? हाँ किया, दो तीन चीजों में काम काफी अच्छा किया, वो चीज ऐसा है। लेकिन जैसे अब मैं क्या बताऊँ, जैसे मतलब बस किया है, हाँ किया है। वो महंगाई उसका तो कोई वही नहीं यार, वो तो रुकी नहीं रही है, वो तो रुकेगी भी नहीं, चाहे रोजगार, रोजगार तो बहुत कम है। 15 लाख आया अकाउंट पे बोले थे, 15 लाख नहीं आया, कहाँ से 15 लाख आएगा? रामलला के मुद्दों पे सिर्फ वोट, क्या रामलला को अयोध्या में लाने वाले कहा जाता है कि मोदी जी है, सिर्फ उसी के मुद्दों पे वोट? ओके, अगर मतलब आप कह रहे हैं कि उन्होंने लाया ऐसा, हाँ लाइक कहते हैं, मैं नहीं कह रही, वो लोग कुछ कहते हैं रामलला हम लाए, हाँ ये सो सही कहते हैं, लाए हैं, बट सबके साथ के वजह से आया है, ऐसे सिर्फ उन्होंने नहीं लाया, सबका साथ था इसीलिए आया है। दिल्ली में रहते हैं आप, है ना? हाँ। दिल्ली में किसकी सरकार अच्छी लगती? फिलहाल तो अभी जिसकी है वो तो खुद जेल में बैठे हैं केजरीवाल, भाई अब क्या पॉइंट दूं मैं उसमें, आपको क्या लगता है उनको फंसाया गया? क्या कह सकते हैं, मतलब आप युवा है, देखिए आप एक यूथ है और आप एक बड़ा एक मार्क सेट करते हैं, क्योंकि ये जो यूथ की जो पॉइंट ऑफ व्यू होती है ना, वो इंसान जो है उनके ना दिमाग पे एक बार ही हिट कर जाती है, तो आपको क्या लगता है? देखिए मतलब अब उनका जेल जाना तो इतना कोई वो ऐसा नहीं है, मतलब हाइप आउट चीज़ की, मतलब हाँ चले गए जो भी है जैसा भी है, वो तो आगे चल के पता चलेगा कि सही थे कि गलत थे, लेकिन बाकी उनकी सरकार है तो जो मिडिल क्लास है और थोड़े मिडिल क्लास से थोड़े से ऊपर है, उनको तो ज़रूर भले ना फ़र्क पड़ रहा हो कि क्या है कैसा है, लेकिन जो उससे नीचे है ना लोअर, उनको फ़र्क पड़ रहा है, उनको फ़ायदा मिल रहा है, भले किसी भी तरीके मिले, भले उनको बिजली फ्री मिल रही है या कुछ भी फ्री मिल रहा है, फ्री है महिलाओं की चीज़, महिलाओं की सबसे बड़ी चीज़ कि वो कहीं भी, चाहे कोई भी लड़की हो, रात में अगर उसको 11 बजे 12 बजे कहीं भी जाना हो, लेकिन बस भले नहीं चलता उस समय, उससे पहले भी किसी भी टाइम तो कहीं भी जा सकते हो, ये चीज़ तो प्लस पॉइंट है। अब ये तो नहीं बोल सकते कि सरकार अच्छी है, किसी की सरकार अच्छी नहीं है, बस वो अपना सही कर रही है, बस यही अच्छा है। ठीक है, हमने यहाँ पे यूथ की भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना और सब आपने लोगों की राय सुनी, लोग क्या कह रहे थे 2024 को लेके, आपने यूथ की भी बात सुनी, यहाँ पे यूथ ने भी क्या कहा, आप लोगों ने हर एक इंसान की बात सुनी, हर एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू दिया, क्योंकि मिक्स रिएक्शन हर बार ही मिलता है, कोई गठबंधन के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है, कोई केजरीवाल जी के साथ है, कोई बीजेपी को वोट दे रहा है, लेकिन अब देखने की ये बात होगी कि किसकी सरकार आएगी, वो 4 जून को फैसला हो जाएगा। लेकिन आप बाकी की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।